पहाड़ों पे बैठ के छोटा कितना थक लिटरली मुझे धमकी मिली थी कि मैं अगर सीढ़ियों से नहीं गई पता नहीं क्या होगा। इसने मुझे बोला था कि रोप वे से जाएंगे, मैं नहीं आ रही, थकते आते जाएंगे पर सीढ़ियों से ही जाएंगे।
उतरेंगे भी सीढ़ियों से ही। चले लंबा रास्ता है। और ये मैडम का अलग ही हाल हुआ पड़ा है। कहते हम लोग अब चलते हैं आगे। चलो मास्क तो बिल्कुल लगाने की हिम्मत नहीं है। अगर मास्क लगा था शेड आ गया है। अब हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। बहुत धूप है यार। चलो रुक के बाय। फाइनली हम लोग यहाँ पे स्टूल पे बैठ गए, सॉरी बेंच पे। शी इज अलाइव। अभी कैपेसिटी बची है, बहुत चलना बाकी है। अभी देखते हैं ये कैसे पहुँचती है ऊपर तक। चैलेंज, ऊपर पहुँचने तक का चैलेंज, देखते हैं ये कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। कल तो गॉड आपको आवाज़ आ रही, पता नहीं वो बोल रही कि कल तक पहुँचूंगी, पर पहुँच के ज़रूर दिखाऊंगी। बेटा 4 बजे की ट्रेन है, वापस आना है। और अभी जो डोंगरगढ़ आने का प्लान कर रहे हैं, रायपुर से चढ़ रहे हो तो 8:30 बजे की है। रायपुर डोंगरगढ़ स्पेशल लोकल है, 8:30 बजे रायपुर को पहुँचती है। वही ट्रेन मेरी छुटते छुटते बची जो मैंने दूर में पटरियाँ पार करके चढ़ी है, और इन लोग दौड़ते दौड़ते लास्ट डब्बे में चढ़े। तो 8:30 बजे की स्पेशल ट्रेन है, आगे पीछे का नहीं पता मुझे। वापस जाने के लिए सबसे आखिरी ट्रेन 4:00 बजे की है, जन शताब्दी रायपुर पहुँचाती है, और उसके बाद सीधा 9 या 9:30 को है रात को। तो प्लान अकॉर्डिंगली। हम लोग ने बांध लिया है, इसका आइडिया था, हम लोग भूल गए थे, तो फिर भैया से खरीद लिया हमने। अब हम कंटिन्यू करेंगे। जय माँ बम्बलेश्वरी, जोर से बोलो जय माता दी। हमारे वानर राज बंदर जी मस्त अपने अपने बच्चों को लेकर तो प्यार से सोया है वो, इससे पहले कि उनको गुस्सा है वो हमारा फोन छीन ले चलते हैं। हम लोग का वो देख रहा है क्या मेरी तरफ? बाप रे, मेरे को डर लगता है भाई। बंदर बंदर ही बंदर, नहीं तो प्यार से सोया मुझे। और सीढ़ियाँ बची है, अब हम बैठने की प्लानिंग में। जस्ट ऊपर बैठी है वो, हमको पता नहीं था। चलो भैया से हम लोग नींबू पानी ले रहे हैं। क्या रेट है भैया? 10 रुपए ग्लास, वो दोनों थकेलों के लिए। कितने बजे आते हो भैया आप लोग यहाँ पे? जाने कितने बजे जाते हो? रात को 10 बजे। तो इतना सामान लेके पूरा नीचे ऊपर फिरते हो आप लोग? बाप रे, सीखो कुछ, हम लोग एक बार नहीं चढ़ पा रहे। अरे नहीं नहीं मैं तो ये दो थकेलों ने मंगवाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फुल नींबू पानी पीने के बाद फुल पावर में खुशी और ये दिखा रहे। चल चल अभी खुशी 10 सीढ़ी चढ़ के फिर बैठेगी। और नहीं बैठी तो यस। कितना सुंदर दुकान है। अब हम लोग फिर से भी रिज्यूम्ड चढ़ना। यस रेनू आई एम लिटरली टायर्ड। गॉड सॉन्ग इज ऑन।
She was counting 10 steps. What a view. जो भी डोंगरगढ़ नहीं आ पा रहे आप दर्शन ले सकते हैं। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं लाइन से। आई वंडर कि रोज इन लोग इतना ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं, क्योंकि हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट अलग ही रौनक रहती है। देवी के भजन चलते हैं, देवी के गाने चलते हैं। आप कभी आए होंगे बचपन में वगैरह तो आप रिकॉल कर पाएंगे। अभी भी सब वैसा ही है। क्या कहते बैंगल्स है, माला है, जा सारी चीज़ें रखी हुई भैया ने। तो देखना तो यहाँ सारी दुकानें हैं, फैमिली जाके यहाँ पे एंजॉय करती है। तो मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए गॉगल्स ले रहे, सो क्यूट। इतने सुंदर सुंदर की रिंग्स हैं, दिए हैं यहाँ पे। मुझे वो शिवलिंग चाहिए था। शिवलिंग है सुंदर सुंदर। मैडम कीरिंग देखने आई थी, वहाँ पर शिवलिंग भी है सुंदर सुंदर। ये सब गाना सुन के यादें ताज़ा हो गई ना। बचपन में आते थे मम्मी पापा के साथ, स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इवन यहाँ महाराष्ट्र से भी दूर दूर से आते हैं लोग। यार बचपन की यादें ताज़ा हो गई, राइट। मम्मी पापा के साथ आते थे हम लोग, दुकानों में कुछ ना कुछ लेते थे। एंड ये जो देवी के भजन होते हैं, गाने होते हैं, ये जान सीढ़ी चढ़ने। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अब। आज़ाद बहुत ऊपर आ गए हम लोग। ये अंकल यहाँ पे इन्होंने दुकान लगाई है, ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से। नहीं, ये वापस आने की सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे अभी हम लोग। भैया ने फूलों की दुकान लगाई है। कितना सुंदर व्यू है ना, बहुत ऊपर आ गए हम लोग। पहाड़ों के बीच से जाती हुई सीढ़ी, कितना सुंदर लग रहा है ना ये पहाड़। ऐसे यहाँ से ऊपर जाके ऊपर कितना मस्त लगेगा। हम लोग सिर्फ कुछ सीढ़ी और बची हुई है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे माता के मंदिर। जय माता दी। हमने वो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, वो गिरते पड़ते आ रही है। चल खुशी नींबू पानी पिए। गुफा के अंदर से जा रहे लग रहे ना।
मंदिर है शिव जी का। ओ सॉरी, बम्लेश्वर। ओ बंदर जी, हमारा स्वागत करते हुए। मुझे डर लग रहा है भाई, मैं नहीं जाऊंगी वहां से यार, मुझे डर लग रहा है वो पैर में पकड़ लेगा। He's calling you. जो स्पाइडरमैन ढका है भाई, यार प्लीज हट जा। ओ दे ओ दे ओ दे, हट जाइए प्लीज बंदर जी, हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, प्लीज जाने दो भाई। थैंक यू। अबे यू भी अच्छा। ओह गॉड, मेरे को डर लग रहा है। यस फाइनल सी जय। आराम फरमाते हमारे वानर राज। वाव सुपर, हम लोग आ गए ऑलमोस्ट। वो है माता का मंदिर। जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आई एम रियली एग्जॉस्टेड literally, well, I don't have a little bit of a Jay! Okay, bahut zyada mandir mein enter kar rahe hain माता के दरबार। अगर आप देख पाएंगे कि जय लगा और लगा ने माता के दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं वो माता। पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि अब हाँ एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, हम सेफली घर भी पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। एकदम परफेक्ट, मज़ा आया बहुत हमें। वही माता के दर्शन करके अलग पॉजिटिविटी आती, पूरी थकान, इतने थक चुके थे, खुशी कितनी थक गई थी वो भी। कैसा लग रहा है? स्पीचलेस, वर्ड्स नहीं। एक बार माता के दर्शन कर लो उसके बाद कोई वर्ड्स नहीं थे। इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे इस तरफ से। ये मन्नत वाले धागे क्या है ना, यहाँ पे मन्नत मांग के बांध मेरा हुआ है। हुआ है कंप्लीट, इसलिए हम लोग दोबारा आए। वो मन्नत पूरा करने के लिए आए थे इन लोग और उनके साथ माता ने बुलाई लिया इनके मीडियम से।
वो आप देख रहे हो, तो वहाँ से हम लोग ऊपर जाते टाइम चढ़े थे, अब हम लोग यहाँ से नीचे बैक, अब हम लोग घर जा रहे हैं जल्दी जल्दी। हम लोग को स्टेशन पहुँचना है 4 बजे, आखिरी ट्रेन है, उसके बाद जैसे हमने बताया था कि 9 या 9:30 को ट्रांसपोर्ट ट्रेन है, तो जल्दी जल्दी उतरना है। चलो भाई साथ में उतरते हैं, बाइक। देखिए जैसे हमारे घरों में दादाजी लोग बैठे रहते हैं बड़े आराम से, बाहर खटिया या टेबल डाल के, वैसे ही हमारे बैठे एकदम आराम से, आराम फरमा के एकदम स्वैग के साथ। यो ही इज लुकिंग हाय बंदर जी। अब हम उतर रहे हैं, फिर आएंगे सभी डोंगरगढ़, डेफिनेटली आएंगे। उतरने में ज़्यादा हालत ख़राब होती है, पैर एकदम कांपने लग जाते हैं। चंचल कहाँ गई? चलो अब हम लोग उतर रहे हैं, घर घर वापस जाना है। अब बहुत ज़्यादा पैर कांप रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो रेलवे स्टेशन है, ये जो ट्रेन दिख रही है वहीं हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग की 4 बजे की ट्रेन है। एंड हम लोग फाइनली उतर के घर जा रहे हैं, चढ़ते टाइम की शक्ल और उतरते टाइम की शक्ल। चंचल कितने बजे? 1:45 हम लोग 1:45 हम लोग चढ़ना चालू किए थे और अभी कितना बज रहा है? 3:05 समथिंग कुछ हो रहा है, इतना टाइम लग गया। हम लोग रुके भी बहुत बार, सो आप कभी आओगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आना। एटलीस्ट 2-3 घंटा तो लगता है यार, हमको तो लगा चढ़ने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं वापस। ओह बाय अगेन, जय माता दी।